वीडियो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके बर्ड्स के एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, हमारे वृंदावन का सेकंड डे है और अभी हम निकले हैं अपने होटल से, जो कि वृंदावन, कौन सा होटल है वृंदावन, ब्रिज वनसुधा, देख सकते हो आप, ये है पीछे। बड़े सस्ते दामों में यहाँ पर होटल मिल सकते हैं आपको, 1000 रुपये में मात्र। और यहीं बगल में है हमारे प्रेम मंदिर, बगल में ही है। तो अभी हम जा रहे हैं श्री वैष्णो धाम, तो मिलते हैं आपको डायरेक्ट वैष्णो धाम में, वैष्णो मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो चलो बने रहना हमारे ब्लॉग में। दोस्तों, अभी हम सुबह का नाश्ता करने जा रहे हैं यहाँ पर, यह है चौपाटी रेस्टोरेंट। चलो चलते हैं और देखते हैं अभी क्या करते हैं हम सुबह का नाश्ता, सुबह सुबह। फाइनली दोस्तों, आ चुका है हमारा पनीर पराठा और छोले भटूरे। सागर भाई चाय ले रहे हैं। अभी हमारे आएंगे आलू पराठा और फिर हम करते हैं नाश्ता और तब चलेंगे हम आगे के सफ़र की ओर। फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे धाम, माँ वैष्णो देवी धाम, जो कि है प्रेम मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी। 20 रुपये पर पर्सन सवारी के हिसाब से हम आए हैं यहाँ पर ऑटो से। और देख सकते हो आप माता वैष्णो देवी की क्या सुंदर मूर्ति है। दिखाते हैं यहाँ पर, जरा हम जूते चप्पल उतार लेते हैं पहले। जूते चप्पल यहाँ से है मंदिर का रास्ता। हाथ धो ले। जय माता दी, जय माँ वैष्णो। यह यमुना जी, जय माँ यमुना। निरीहम चिदाकाश माकाश वासं भजे हम निराकार। चलो चलते हैं आर्ट गैलरी के अंदर कि कैसे ये मंदिर और मूर्तियां बनाई गई हैं, इस प्रकार से ये मूर्तियां बनाई गई है, देख सकते हैं। यह है भूमि पूजन, इसकी भूमि पूजन है। हाँ, ये भूमि पूजन करके तस्वीरों को हाथ ना लगाएं। इस तरीके से बनाई गई है मंदिर। धीरे धीरे डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ माँ वैष्णो देवी मूर्ति एंड हनुमान जी मूर्ति, इस तरीके से ये बनाई गई है। माँ वैष्णो आश्रम भी है यहाँ पर, डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ऐसे 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 बनी गई है। देख सकते हैं यहाँ की कलाकारी। फाइनली दोस्तों, हमने कर दिया है माँ वैष्णो धाम के दर्शन। अब हम जा रहे हैं गुफा के अंदर, और अगर वैष्णो देवी वृंदावन आता है तो वैष्णो देवी धाम जरूर आइएगा। अब चलते हैं हम गुफा के अंदर। यहाँ से है रास्ता गुफा के अंदर प्रवेश करने का। तो चलो चलते हैं गुफा के अंदर। गुफा का प्रवेश द्वार, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फाइनली दोस्तों, हमने कर दिए हैं वैष्णो देवी के दर्शन और हम निकल रहे हैं बरसाना की तरफ सोनू भाई के साथ, जो कि हमें 80 रुपये पर पर्सन के हिसाब से जा रहे हैं वैष्णो देवी धाम से बरसाना की तरफ। फाइनली दोस्तों, हम गोवर्धन नगरी में आ गए हैं, गोवर्धन पर्वत की तरफ। यह है यहाँ का मार्केट और यहाँ से होती है परिक्रमा स्टार्ट।
गोवर्धन महाराज। अभी हम जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की तरफ और यह है यहाँ की गलियाँ। यहाँ तक अभी जो है हम ये यात्रा कर रहे हैं 21 किलोमीटर की, वो कर रहे हैं हम ई रिक्शा से। अभी दोस्तों ये है गोवर्धन पर्वत, वैसे जो है पीछे है जिसकी हम पूरी परिक्रमा कर रहे हैं, बट वो वहाँ से टच होकर यहाँ आया है तो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर गोवर्धन पर्वत जी। ये है यहाँ पर गोवर्धन पर्वत जी महाराज जी। तो फाइनली दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बरसाना की तरफ। अभी हम आए हैं गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने के बाद, अब हमने सोचा हम बरसाना चलते हैं तो बरसाना के दर्शन कराते हैं आपको और उसके बाद डायरेक्ट हम मथुरा की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों फाइनली नियर ऑफ प्यार बरसाना एंटर ही ले लिया हमने यहाँ से, अब चलते हैं और बरसाना के दर्शन करते हैं। दगड़ियों थक गए हैं दगड़ियों। तो फाइनली दोस्तों बरसाना की गलियों में एंट्री कर ली हमने जूते चप्पल नीचे उतार के, और अब हम डायरेक्ट राधा रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। बरसाना का नज़ारा देख सकते हो, अच्छे से चरण दर्शन करें। मेरी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बरसाना मंदिर में, राधा रानी के बड़े संघर्षों के बाद हम पहुंच चुके हैं राधा रानी के मंदिर में, और ये है यहाँ का व्यू। पीछे अंदर है राधा रानी जी, जहाँ की हमें मना किया गया है फोटो खींचना नॉट अलाउड, और यहाँ से पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, ये यहाँ से पूरा पीछे का नज़ारा है। क्यों आखिर में हमारा हुआ बरसाना का धाम भी ख़त्म, अब जाएंगे हम डायरेक्ट मथुरा की ओर और वहीं से निकलेंगे हम घर की तरफ। तो मिलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ से डायरेक्ट पकड़ते हैं ई रिक्शा और जाते हैं मथुरा की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ की भीड़ जनता, दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम कृष्ण जन्मभूमि में मथुरा में। यहाँ की गलियाँ देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है, और यहाँ पर जो है ये विश्राम आश्रम है और यहाँ पर रह भी सकते हैं, और ये यहाँ की छोटी सी मार्केट, यह श्री कृष्ण द्वार गेट नंबर 1, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। राधे 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 राधे, क्या हुआ